टीवी सच सबसे आगे नमस्कार लाइव टीवी आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार पठान फिल्म का विरोध करने वाले पठान फिल्म के बारे में टिप्पणियां करने वाले उन सभी को पठान फिल्म ने अपने परफॉर्मेंस से ऐसा जवाब दिया है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं हमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पठान फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है 950 करोड़ जो कमाई भी अभी हो चुकी है ब्लॉकबस्टर फिल्म हो चुकी है और पांच सौ आठ वाट के करीब जो है भारत देश में कमाई हो चुकी है और अब इसी को लेकर 17 फरवरी को जो है वो पठान डे मनाया जाएगा यानी आज के दिन आज के दिन टिकट के दामों में घटोत्तरी कर दी गई है यानी कि एक रुपए की अब टिकट मिलेगी देखिए दैनिक भास्कर ने ट्विटर के बाद जानकारी दी है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में फिल्म पठान अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए सत्रह फरवरी को पठान डे मनाया जा रहा है इस दिन के लिए बड़े सिनेमाघरों ने अपने टिकट के दाम घटाकर कर एक सौ दस रुपए कर दिए हैं जो देखिए सिनेमाघरों की खूब चांदी इससे पहले पैंडमिक सिचुएशन जब आई थी तो हालत खराब थी फिल्म चल ही नहीं रही थी कोई फिल्म लगाए पिट जाए चले ही ना सिनेमाघरों का खर्चा तक नहीं निकल पा रहा था मालिक बड़े परेशान थे लेकिन पठान के आने के बाद जो सूखा था वो गायब हो गया इसीलिए अब टिकट घटा भी दिया गया पठान डे मनाया जा रहा है सौ दस रुपए कर दिया गया है पीवीआर, और सिनेपोल सत्रह फरवरी को मनाएंगे पठान डे घरों की टिकट जो है वो एक रुपए होगी तो पठान फिल्म तो लगातार अपना जो है तहलका मचा रही है और उसके साथ साथ जिस तरीके खबरें सामने आ रही वो भी बता रही है कि पठान अब इतिहास रच रही है और जो अभी तहलका पठान का चल रहा है वो बरकरार है पठान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो तेईस दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है पठान बाहुबली दो का रिकॉर्ड ब्रेक करने से महज थोड़ी दूर है आफिस, आफिस पर है यह फिल्म ऑफिस बॉक्स ऑफिस पर पठान जमकर बैठी हुई है रिलीज के तेईस दिन भी उसका क्रेज कम नहीं हुआ तेईसवे दिन भी लगातार कलेक्शन हो रहा है इस फिल्म का पठान 500 करोड़ का मैजिकल आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है हिंदी सिनेमाघरों में अब नए रिकॉर्ड कायम की ओर आगे बढ़ रही है पठान रिलीज के तेईसवें दिन जो कमाई हुई वो आपको बताते हैं दरअसल कलेक्शन की अगर बात करें तो पठान ने रिलीज के पहले दिन ही 55 करोड़ रुपए कमाई कर ली थी तब से पठान बॉक्स ऑफिस पर कुंडली जमाए बैठी हुई है और जमकर कमाई कर रही है वहीं पठान के 23वें दिन के अगर कमाई की आ, के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं सैकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने रिलीज के 22वें दिन 3 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की है इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 505 करोड़ 85 लाख के करीब हो गया है समझिए यह फिल्म लगातार कमाई करती जा जा रही है बता दें कि सिद्धार्थ आनंद की एक्शन थ्रिलर पठान ने दंगल केजीएफ चैप्टर टू द कश्मीर फाइल्स और अन्य फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है घरेलू बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही फिल्म ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 500 करोड़ का मैजिकल आंकड़ा भी पार कर लिया है इतना ही नहीं वर्ल्ड वाइड वे फिल्म एक हजार करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए बस चंद कदम ही दूर बची हुई यानी थोड़ा ही फासला है एक हजार क्लब में शामिल हो जाएगी और ये जो है फिल्म लगातार आगे बढ़ रही है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बाहुबली टू द कंक्लूजन के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ देगी दरअसल एक्शन थ्रिलर फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण जॉन इब्राहिम आशुतोष राणा और डिम्पल कबाड़िया ने अहम रोल निभाया है यह फिल्म यशराज बैनर ने स्पाई यूनिवर्स की इंस्टॉलमेंट है इस आ, मतलब स्पाई मतलब यूनिवर्स की इंस्टॉल मतलब जो है ये इंस्टॉलमेंट है तो आप समझिए फिल्म ने लगातार बॉक्स ऑफिस पर तहलका बचा रखा है ऐसे में अब सत्रह फरवरी को ये जो पठान डे मनाया जा रहा है इससे आप समझिए कि फिल्म की कमाई और हो जाएगी एक सौ रुपए की टिकट कर दी गई है घटा दिया गया टिकट का दाम और इससे अब लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी जो लोग फिल्म देखना चाहते हैं जो पठान को पसंद करते हैं वो जो है अब पठान देखने के लिए जाएंगे तो लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे जागरण ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है पठान तेईसवे दिन बाहुबली टू का रिकॉर्ड तोड़े से पठान बस थोड़ी ही दूर है यानी 505 करोड़ का कलेक्शन पठान कर चुकी है मूवी के कुल कलेक्शन की जानकारी भी साझा की गई उन्होंने बताया कि तराना आदर्श ने बताया कि बुधवार पंद्रह फरवरी तक फिल्म ने पांच करोड़ कमा लिए ज्यादा कमा लिया ट्वीट के मुताबिक देखिए किस तरीके से पठान ने तमिल तेलुगु शुक्रवार को 15 लाख शनिवार को 25 लाख रविवार को 40 लाख सोमवार को 10 लाख मंगलवार को बीस लाख बुधवार को दस लाख टोटल सत्रह जो करोड़ साठ लाख रुपए कमाई की है देखिए बाकायदे तरन आदर्श ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पठान इज परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन वीक डेज वीक थ्री फ्राइडे जो है फाइव पॉइंट सेवन फाइव करोड़ सैटरडे ग्यारह करोड़ रुपए संडे बारह करोड़ साठ लाख रुपए मंडे चार करोड़ दस लाख रुपए और ट्यूजडे पांच करोड़ चालीस लाख रुपए वेडनसडे तीन करोड़ पचास लाख और टोटल जो है वो चार सौ चौरासी दशमलव आठ पांच करोड़ रुपए कमाई कर ली थी ये सोलह फरवरी का ट्वीट है आप समझिए अगर हिंदी तेलुगू और तमिल में बात करें तो क्रॉसेस फाइव हंड्रेड करोड़ फर्स्ट हिंदी फिल्म इन ब्रीच एट फाइव करोड़ मार्क फिर आगे भी तरह आदर्श ने लिखा कि पठान तमिल प्लस तेलुगू वीक थ्री फ्राइडे फिफ्टीन लाख सैटरडे ट्वेंटी फाइव लाख संडे जो है वो फोर्टी लाख मंडे टेन लैक्स और Tuesday, 20 बीस ट्वेंटी लाख और वेडनेसडे टेन लाख, टोटल सेवनटीन करोड़ सिक्सटी लाख यानी नोट पठान ने जो है हिंदी तमिल और तेलुगु में कंबाइन अगर बात की जाए तो 502 सौ दो करोड़ की कमाई ये कर चुकी थी सोलह फरवरी को नेट बी जो है बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है वो जो है भैया वो तो अलग ही जगह जा रहा है शाहरुख खान ने 2018 के बाद सीधे 2023 में सिल्वर स्क्रीन पर यह वापसी की है और वापसी करने के बाद पठान फिल्म में उनके कम के चार साल के इंतजार के चार दिनों में खत्म कर दिया इस मूवी के बाद किंग खान जवान और डंकी लेकर हाजिर होंगे ये दोनों फिल्में इसी जुलाई और दिसंबर में रिलीज होगी लेकिन इससे पहले पठान ने जो क्रेज बना दिया है जिस तरीके से पठान का जलवा बरकरार है उससे लग रहा है कि ये फिल्म अभी और जाएगी और ये वैलेंटाइन डे पर पठान ने भी अच्छा कलेक्शन किया और जो ये कहा जा रहा है कि अब फिल्म जो है वीक डे मनाने जा रही है पठान का पठान डे मनाने जा रही है इस दिन बड़े सिनेमाघरों में टिकट के दाम कम कर दिए जाएंगे तो इससे लोगों में जो क्रेज है जो फिल्म देखना चाहते हैं वो और तेजी से जाकर फिल्म के टिकट खरीदेंगे और फिल्म जो है वो आंकड़ा जो है वो भले ही थोड़ा कम हो जाए लेकिन दर्शकों तक दर्शकों तक वो फिल्म ज्यादा से ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ पाएगी ये जो है एक तरीके से सिनेमाघर के मालिकों ने सोचा है कि फिल्म ने तो इतनी कमाई करवा दी झोली भरवा दी जो सूखा था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया तो क्यों ना आप दर्शकों के बारे में भी सोचे हम इसीलिए सत्रह फरवरी को पठान डे मनाया जाएगा अगर आप पी जाना चाहते हैं नॉक्स जाना चाहते हैं सिनेपोस जाना चाहते हैं तो यहां पर आपको सिर्फ एक रुपए देने होंगे और एक रुपए में आप जो है पठान फिल्म का आनंद ले पाएंगे ये सिनेमाघरों में जो है छूट दी गई है तो ये पठान डे मनाया जा रहा है आप समझिए कि अभी तक ऐसा डे कोई मनाया नहीं गया लेकिन जिस तरीके से पठान फिल्म का कलेक्शन रहा पठान फिल्म के बारे में कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की गई और फिर बड़े बड़े लोग भी आकर फिल्म का विरोध कर रहे थे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भी विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर पठान ने उन सभी को जवाब दिया उस गैंग का जवाब दिया जो लगातार मुसलमान होने के नाते मुस्लिम एक्टर्स की फिल्म का विरोध कर रहे थे और आपने देखा था लाल सिंह चड्डा किस तरीके से विरोध किया था और अब उसी को लेकर ये शाहरुख खान की फिल्म का विरोध कर रहे थे शाहरुख खान के गाने को लेकर जो फिल्म थी पठान का गाना था जो बेशम रंग उसको लेकर खूब इन्होंने बवाल मचाने की कोशिश की लेकिन फिलहाल जनता सब जानती जनता सब समझती है कि किस लिए लिएट गैंग काम करता है इसीलिए इन गैंग मुंह पर बड़ा तमाचा मारा है और ये भी कह सकते हैं कि शाहरुख खान के फिल्म हिट होने के बाद अब उन लोगों को भी थोड़ी राहत मिली है जो बाइकॉट गैंग का शिकार हो चुके हैं जिनकी फिल्में लगातार बाइकआट गैंग जो है बाइकॉट हैश टैग बाइकॉट ये फहाना ढिमकाना ऐसा है वैसा है जो मतलब किसताइज करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग भी अब शांत बैठ गए क्योंकि उनको लगा कि पठान फिल्म में उनको बहुत बड़ी असफलता मिली है मुंह की खानी पड़ी है वो सोच रहे थे कि पठान फिल्म का विरोध कर देंगे हैश पठान बाईकॉट चलाएंगे जाके थिएटर्स में जाकर हंगामा करेंगे हम बवाल करेंगे जाके मॉल्स में जाएंगे जहां जहां सिनेमा घरोंगे वहां बवाल करेंगे चलने नहीं देंगे यहां तक कि एक प्रदेश के गृह मंत्री तक ये कह देते हैं कि हम फिल्म को अपने प्रदेश चलने नहीं देंगे लेकिन फिर भी लोगों ने कहा हम देखेंगे और जो जश्न का माहौल था रिलीज के दिन वो आप सबने तस्वीरें देखी और अब जो पठान डे सत्रह फरवरी को बनाया जा रहा है तो अगर आप पठान फिल्म देखना चाहते हैं तो आज आपको टिकट में भारी छूट मिलने वाली आप पठान फिल्म का आनंद ले सकते हैं तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए बेल आइकन दबाई ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे नमस्कार द लाइव टीवी सच सबसे आगे